तो चलिए दोस्तों, आज हम नवोदय परीक्षा से संबंधित गणितीय परीक्षण पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। और आप सभी जानते हैं कि मानसिक योग्यता के अलावा सबसे महत्वपूर्ण पाठ होता है गणित का। यदि आपने इस गणित वाले पाठ को बना लिया तो सिलेक्शन निश्चित होता है, क्योंकि अक्सर गणित में ही कम नंबर आते हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम बनाकर देखते हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि अगर इस प्रश्न को आपने सीख लिया ना तो सभी प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्न लिए हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे यहां पर देखिए। और ऐसे ही और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे प्रश्न लिए हैं। समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजा अगर 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप निकालना है। और यहां पर और भी प्रश्न है, देखिए मैं सही प्रश्नों को आपको बता दूं। यहां पर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपको निकालना है तो कितना होगा। उसी प्रकार यहां पर देखिए मैंने लास्ट प्रश्न लिखा है इस प्रकार। तो चलो यहीं से हम प्रारंभ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार के प्रश्न को हमें बनाने आना चाहिए। अब देखिए इस प्रश्न को मुझे बनाना है, पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है। जैसे यहां पर दिया है, चलिए आप ध्यान से देखिएगा, 154 को गुणा किया गया 18 से तो इसका उत्तर आ रहा है 2772। तो आपको बताना है इस प्रश्न को, ध्यान से देख लीजिए भाई, यहां पर क्या है 27.72 को भाग दिया जा रहा है 1.8 से, तो इसका मान कितना होगा, है ना। सिंपल सी बात है। हालांकि यदि इसको मैं क्या करता, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इतना भाग देते, इसको भाग देते किससे, 18 से, तब हमारा मान कितना आता, 154 आता, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर इतना आ रहा है, मतलब ये तो उत्तर है। लेकिन भाई यहां पर क्या कहा जा रहा है, 27.72 को भाग देना है 1.28 से, मतलब यहां पर हमें क्या करना है, इधर देखिए यहां पर दशमलव होना चाहिए और इधर यहां पर दशमलव होना चाहिए, तो मान कितना आएगा। तो भाई हम इसमें दशमलव कहां पे लगाएंगे, तो इसको इसी पैटर्न के आधार पर हल करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखना है कि इसको हम हल कैसे करेंगे। देखिए इसको मैं ये दशमलव को तो अभी हटा देता हूं, क्योंकि दशमलव कैसे लगेगा इसको हमें ध्यान देना है। तो इतने भाग को मैं फिर से मिटा देता हूं। अब मुझे इस गणित को कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको सरल तरीके से बना रहा हूं। देखिए हमें क्या करना है, हमें मान निकालना है 27.72। तो भाई ये जो लिखा है 2772, इसको हमें 27.72 में बदलना है। तो हमको पता है यदि इसको दशमलव में बदलना है तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो जितने अंकों के बाद दशमलव लगाए हैं उतना जीरो लगाएंगे, मतलब इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार इसको भी दशमलव में बदलना है, तो यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगाए हैं आपने, एक अंकों के बाद, तो इसको आपको गुणा करना पड़ेगा 10 से, मतलब उतने जीरो आपको लगाना होता है। अब इसका मान कितना हो रहा था, 154, मतलब ये पूरा जो मान है, अगर दशमलव नहीं लगा रहे थे तो इसका मान तो इतना ही हो रहा था, लेकिन हमें इसका मान चाहिए, इतने में इसको भाग देना है तब हमें मान चाहिए, तो अब तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब क्या करिए, इसको शून्य और शून्य को हम कटा देंगे, तो अब जो हमारा उत्तर आ रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहां पर तो हमें 27.72 मिल गया है और यहां पर भी 1.8 मिल गया है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और बचा हुआ है, कौन सा चीज बचा हुआ है, ऊपर में 10 बचा है देखिए, और यहां पर दिया है 14154 दिया है। अब ये 10 जो है नीचे जाएगा, मतलब इसको हम इधर ले जाएंगे, तो चलो इसको मैं इधर ले आता हूं। अब इसको यहां से हम क्या कर देते हैं, कटा देते हैं, ये गायब कर देते हैं। अब देखिए इसको जब आप भाग देंगे तो ये दशमलव कितना स्थान सरकेगा, मतलब ये 10 से भाग देंगे, और जब इसको हम भाग देंगे ना तो हमारा उत्तर, देखिए ये 10 से भाग देना तो दशमलव यहां पर आ जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब 15.4, मतलब 15.4 आएगा, जो कि इस ऑप्शन में आपको कहीं भी दिख रहा होगा, जैसे ये वाला ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस प्रकार बहुत ही सरलता से बना सकते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इस प्रश्न में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर का योग कितना होगा। तो भाई आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 को जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, 1, 2, 3 और 5, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, और यहां पर कर देंगे 7। तो क्या यह सही है, नहीं। आपको क्या कहा गया है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो आपको एक को नहीं लेना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो आपका अभाज्य संख्या प्रारंभ होगा 2 से, 2, 3, 5, 7, और क्या हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर कई बच्चे 9 को भी लिख देते हैं, 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से भाग जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये नहीं लिखना है, बल्कि इसके जगह आप क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। अब इन संख्याओं को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए आप यहां पर 7 और 3 10 कर सकते हैं, और यहां पर क्या है, 11 है, तो 11 में आप क्या जोड़िएगा,
10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 में देखिए 5 और 2 7 को और जोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए 5 और 2 7 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। अब ये उत्तर आपको कहीं पर भी दिख रहा होगा, जैसे ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है डी में, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो याद रखिए ये वाला गलती बिल्कुल ही मत करना, एक को प्राइम नंबर में आपको काउंट नहीं करना है, ये भी हो गया। कई बार तो प्राइम नंबर, प्रथम प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये भी आ जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगर हमें समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाएं अगर 5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है तो हमें उसका परिमाप निकालना है भाई। तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उदाहरण के लिए अगर ये लंबवत भुजा है तो ये लंबवत भुजा इसी का मान दिया हुआ है, अगर एक जो है 5 है और एक जो है 12 है, तो हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। अब परिमाप निकालने के लिए आवश्यक है कि इस भुजा का मान भी हमें पता होना चाहिए, मतलब ये क्या है, ये कर्ण है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो भाई हमें कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी, चाहे तो आप परीक्षा हाल में इसको बहुत शॉर्टकट में करेंगे डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो हमें पता है ए सी का जो मान निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अन्य दो भुजा जैसे कितना है 25 5 का वर्ग है और दूसरा क्या है 12 का वर्ग है, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC का जो मान होगा वो कितना होगा, 5 पंचे 25 और प्लस इसका मान कितना होगा 144। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और यहाँ पर वर्ग है उधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल बना देगा। इसको जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, AC का मान जो कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए, इसको जब आप हल करेंगे ठीक है तो इसका मान आ जाएगा 13। अब भाई इसका मान तो 13 आ गया है, तो निश्चित रूप से इसका परिमाप कितना हो जाएगा, मतलब परिमाप निकालने के लिए इनको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, मतलब 5 प्लस 12 प्लस 13 ठीक है। अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 12 दूनी 24 और 25, 25 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपका परिमाप आ गया है जो कि डी में है ठीक है। तो ये भी प्रश्न हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको बहुत ही बारीकी से बनाना होगा। एक विद्यालय में 3/5 भाग बच्चे हैं ठीक है, बच्चों की संख्या नहीं बता पा रहा है, उसका अनुपातिक रूप में बताया जा रहा है। तो 3/5 भाग बच्चे हैं मतलब लड़के हैं, है ना, 3/5 बच्चे जो हैं लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या यहां पर दिया हुआ है फिक्स है। तो लड़कों की कुल संख्या कितना होगा ये आपको बताना है। यहां पर संख्या दिया है उसका अनुपात में दिया है, तो हम कैसे बनाएंगे, माना कि कुल बच्चों की संख्या, इस प्रश्न को आप क्या बनाएंगे, कुल बच्चों की संख्या आपको मानना पड़ेगा। तो माना कि कुल बच्चों की संख्या क्या है, x है। अब हमें पता है कि अगर बच्चों की संख्या दिया है, कुल बच्चों की संख्या, तो उनमें से आपको लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो भाई लड़कों की संख्या तो हमें दिया हुआ है अनुपातिक रूप से, तो लड़कों की संख्या कितना होगा, है ना, लड़कों की संख्या यहां पर हम इसको अनुपातिक रूप में निकाल रहे हैं, तो लड़कों की संख्या जो है कुल संख्या का, मतलब कुल संख्या का कितना, x का ही कितना होगा, 3/5, है ना, मतलब इसका 3/5 भाग होगा। अब जब ये लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, कुल संख्या में यदि इतने को घटा दिया जाए, तो देखिए लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा, लड़कियों की संख्या ठीक है यहां पर दिया हुआ है भाई। अब लड़कियों की संख्या तो हमें पता है, लड़कियों की संख्या कितना दिया है यहां पर 800, वो कैसे निकलेगा, एक्स में पूरे में, यहां देखिए कुल बच्चों की संख्या कितना दिया है एक्स में, इसको हम घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 3x/5 ये। और ये लड़कियों की कुल संख्या तो पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ है, ये जो मान इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x-3x/ कितना हो जाएगा 5, मतलब यहां पर कितना हो जा रहा है 2x/5 हो रहा है। इसको हम थोड़ा से ऊपर कर देते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझा सके। ये देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये जो मान आया है, अब यहां पर देखिए हमको तो पता हो गया कि ये लड़कियों की संख्या 800 है ठीक है, यहां पर कितना है, इसको हल करेंगे तो 2x/5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको इनसे गुना करेंगे तो 8×5=40, मतलब ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ठीक है। अब यहां पर आपके पास 2x का मान निकल गया, हमको केवल x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा, भाग देंगे, मतलब ये 4000 दिख रहा है इसको आपको भाग देना होगा 2 से, तो यहां पर कितना आ गया है x का मान, हमें पता चल गया कि x का मान तो हमें 2000 मिल गया ठीक है। लेकिन भाई आपको तो पता है कि 2000 में ये कुल संख्या है, ध्यान दीजिएगा ये किसकी संख्या है, ये टोटल संख्या है शुरुआत में, है ना, मतलब कुल बच्चों की संख्या है। अब जब कुल बच्चों की संख्या कितना है 2000 है भाई, तो इन्हीं में से आपको क्या करना है, इसको दो तरीके हैं, या तो इन्हीं में से आप क्या करिएगा 800 को घटा दीजिए, 800 को घटा देंगे क्योंकि ये लड़कियों की संख्या है, तब भी हमारा उत्तर आ जाएगा ठीक है, ये 1200 आएगा लड़कों की संख्या। या फिर क्या करिएगा, एक दूसरा रास्ता भी है कि आपको परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को आप अपने सुविधा अनुसार बनाइएगा, हमको पता चल गया है कि x का मान कितना आया है
2000 आया, ठीक है। ईसी का कितना भाग, 3/5, तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, 3/5 भाग कर दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5×4=20 हो जाएगा। अब यहां पर 2 शून्य और है, अब 400 को आपको 300 से 3 से गुना करेंगे तो 4×3=12। तो तरीका आप क्या कर सकते हैं, कोई भी तरीका अपनाइए, उत्तर तो इतना ही आएगा। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, यहां पर आप नीचे इसको मैं कर देता हूं ताकि आप और आसानी से इसको समझ सकें। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी बच्चे जो है इस प्रकार के प्रश्नों का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, और आपको नवोदय से संबंधित किस प्रकार की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि उससे संबंधित मैं वीडियो बना सकूं। अगर आपको मानसिक योग्यता वाला चाहिए तो भी, अगर आपको गणित से संबंधित चाहिए तब भी, या फिर आपको किसी अन्य टॉपिक पर चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपका हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।